तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज हम काइट फाइटिंग करने वाले हैं अपनी छत के ऊपर से, ठीक है ना। तो वैसे तो हम काइट कैचिंग करना चाह रहे थे, मगर आज जो गेम लड़ रहा है ना, थोड़ा पीछे की साइड लड़ रहा है। आपको दिखाऊं, थोड़ा फोकस करके देखो, वो उड़ रही हवा इधर की चेंज हो गई है, पछातिया में लेफ्ट में गिर गई है। तो आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ और भी दिखाऊंगा। देखो तो तुम्हारे भाई ने अपने नाम की छिटे भी बनवा ली है फाइनली गाइस। तो देखो काइट फाइटिंग दिस इज वाइटी। तो आपको अभी और दिखाऊंगा चिटा, ये रही। तो काफ़ी सस्ती बन गई है मुझे चीप रेट में। देखो भाई, ये रही काफ़ी सारी चिटे आ गई हैं अपने भाई, तुम्हारे भाई की, ये रही, ठीक है। तो ये रही भाई, अब हर पतंग पे, तुम्हारे भाई की पतंग पे जो है ना, यही चिट लगी हुई मिलेगी ज़्यादातर पोनियों में या अद्दियों में, ठीक है। तो एक चिट तो हमने लगा दिया अपनी पोनी में, और मंजा हमारा ये वाला होने वाला है, वही वाला जो हम 15 अगस्त के आसपास लाए थे खरीद कर, ठीक है। तो पतंग हमारी ये वाली होने वाली है, और पतंगें हमारी अंदर भी रखी हैं, और आगे हो रही है चिड़ा पतंग, आपको दिख रही होगी वो रही। तो हम अभी पतंग बढ़ाएंगे और आपको डायरेक्टली पेज दिखाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो जल्दी से आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं। और यहाँ देखो, ये बच्चा भी पतंग उड़ा रहा है, उड़ावे जल्दी से, फट गई उड़ाने से पहले ही। लो भाई लो, इन्हें उद्घाटन कर दिया, पतंग का उद्घाटन होना भी जरूरी है। वो रही टेप जब हो रही, ये देखो गाइज, ये पतंग खींच के दिखाएगा आपको, दिखवाता हूँ मैं इसकी खींच खींच के दिखा भाई, बड़ी खतरनाक तरीके से जल्दी से। ओ मेरी जान, टूर्नामेंट लड़ेगा इसका अगले साल गाइज इस पतंग से। तो ये जो है पहले से ही चेक करके रख रहा था। चलिए गाइस, बहुत मजाक हो गया वीडियो में, अब चलते हैं आगे की साइड और पतंग उड़ा के दिखाएंगे, क्योंकि हम इस साइड से तो उड़ा नहीं सकते, क्योंकि ये देखो 8-10 मंजिल का इमारत का फ्लैट बन गया, हम उधर की साइड चल के उड़ाएंगे, ठीक है ना। चल भाई चलो, ये वाली पतंग उठाते हैं, चलो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि ये फ्लैट बना हुआ है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा आएगा। तो पेच में तुम्हें एक नंबर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पतंग हम अपनी बढ़ाते हैं, और हल्का सा जो है ना मंजे में लग रहा है कुटका, मगर मुझे नहीं पता ये किधर की साइड लग रहा है। तो जब भी हम बैक ऑफ होकर पतंग उड़ाएंगे, आओ ठीक है, ये वाली पतंग फेंकते हैं आगे को। और ये चली चली रे पतंग मेरी, चली रे, देखो बादलों के पास भागी तेरे पे सवार, कटने आएगी सबों की ये पतंग रे, इधर दिखाओ। तो गाइस, पतंग हमारी चलते हुए, और आगे दो पतंग उड़ रही हैं, उनसे लड़ाएंगे गरीबों से, क्या पता वो हमें ही गरीब कर दें काट के, ठीक है। तो मैं अब आपको डायरेक्ट पेज पे मिलते हैं। तो चलिए गाइस, मेरा पेज आ चुका है, ठीक है ना। दो दो पतंगों ने मुझे घेर रखा है, एक चिड़ा ने और एक नीली ने ऊपर से। तो दोनों पेज लड़ा के मैं आपको दिखाऊंगा, चलो आओ। हम पेज देखते हैं काट देता है हमारी या कट जाता है नीली वाली, ठीक है। चिड़ा से लड़ाते हैं हम, अब चिड़ा वाला डर रहा है, वैसे तो बहुत आ रहा था भाई लड़ाने, हम लड़ाएंगे हम नीली से, नीली वाली से लड़ाएंगे, ठीक है गाइस। जैसा को आपको दिख रही होगी नीचे वाली पतंग मेरी है, चक्कर ले रही है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने तिरछा खींच के बाहर को काट दिया नीली वाली को, बहुत ही आराम से घसते घसते पीछे पहुंच गया मैं। अब लड़ाऊंगा मैं चिड़ा से, ठीक है। चलो दोबारा से चिड़ा के पास चलते हैं हम, धीरे धीरे जिंदगी में उसके चलते हैं। देखो वो रही उसकी पतंग, जैसे कि आपको दिख रही होगी चिड़ा को, और आपको अलग ही पतंग चमकती हुई दिख रही होगी गाइस। तो चिड़ा से भी फेरेंगे हम पेच, मेरा चिड़ा वाले से पेच लड़ते हुए, ठीक है। चिड़ा वाला बिल्कुल एंगल बनाते हुए बहुत खतरनाक तरीके से, मेरी पतंग भी चक्कर लेते हुए, और दोनों का मुद्दा रुकते रुकते। और गाइस देखिए, चिड़ा वाला बिल्कुल हमें दबा रहा है, क्यों दबा रहा है कि मेरी पतंग जो है ना नीचे मुद्दा मारूं और मैं वहीं मर जाऊं, समझ रहे हो गए आप। कभी भी ऐसी हरकत ना करें, आपको अपनी पतंग इतनी दिखा के लड़ानी है सामने वाले को जितनी आपको दिख सके,
जल्दबाजी के चक्कर में जो है ना पतंग कट सकती है आप। और ये इसे काट दीजिए, देखिए गाइस कितना हाथ रोक के मैंने काटा बहुत ही प्यार से। यहाँ मैं जल्दबाजी करता तो काट कट जाता, मैं तो जल्दबाजी यहाँ होती तो हम कट जाते, ठीक है। बहुत ही प्यार से काटा तुम्हारे भाई ने, दो पेज काट दिए हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक और शिकार हम ढूंढते हैं अपना जब तक, ठीक है चलो। तो गाइज मेरा पेच आ चुका है नीचे से राइट साइड से, और ओपोनेंट उड़ा रहा हमारे लेफ्ट से, ठीक है ना। और वो लड़ाएगा ऊपर से तो मैं लड़ाऊंगा नीचे से। चलिए आपको पेच दिखाता हूँ मैं अपना, आओ। तो हमारी गाइज हल्की सी अंदर की पतंग है, और ओपोनेंट रखते हुए हमारे ऊपर देखो उसकी पतंग हो रही चक्कर ले रही है, जैसा कि आपको दिख रही होगी। तो बिल्कुल मेरी पतंग के ऊपर आ गया। तो गाइस इस मूवमेंट पे मुझे क्या करना चाहिए, अंदर का दिखाना चाहिए या बाहर करके खींचता हुआ निकल जाना चाहिए? तो चलिए अब देखते हैं क्या ट्रिक आजमाता है तुम्हारा भाई, कट जाता है या काटता है पेच। जैसा कि आपको दिख रही होगी नीचे वाली मेरी है पतंग, और ऊपर वाली ओपन एंड की है। देखो बिल्कुल बढ़िया दिख रही होगी आपको जेन में, और पेच लड़ते हुए बिल्कुल बीच में बीच में, और ओपन एंड ने रखा और मैंने खींची गाइज और हाथ रोका, और वो झटके देते हुए बिल्कुल बहुत खतरनाक खतरनाक, मगर उसकी काट दी तुम्हारे भाई ने हाथ रोक के। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने पता क्या सीन करा, मैं खींचता खींचता हूँ एकदम उसकी डोन नहीं मिल पाई बिल्कुल भी मेरी पतंग के साथ साथ। जैसे कि उनने खींची ना वहीं तुम्हारे भाई ने हाथ रोक के झटके देने लगा हल्के हल्के हाथों से, ये वाले हाथों से वहीं वो भी देने लगा। जैसे कि आपने देखा होगा वहीं उसकी झटक गई पतंग। तो और बढ़ाएगा मैं और दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए बिल्कुल हमारे हाथ पा चुका है बंदा लड़ाने के लिए किलस के, ठीक है। तो अभी हम इससे लड़ा के और आपको दिखाएंगे कैसे लड़ाते हैं इससे, ठीक है। कोई बंदा भी हाथ में आ जाए, हाथ की तरफ आ जाए तो उसे कैसे दिखाना चाहिए मुद्दा। तो बहुत अंदर चलते रहते हैं हम अपना, ठीक है। और ये हमने अपनी पतंग घुमाई, दो तीन चक्कर दिखाए, और ये खेचा और उनने झटके दिखाए, और ये मैंने बाहर को खेचा फुल तेजी में और काट दिया। बहुत ही ओपी पेस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। न्यू वीडियो का टॉपिक कमेंट में बताइए, ठीक है ना। तो आज हमने एक पतंग से ही चार पतंगे बिल्कुल खल्लास कर दी है, ठीक है।